फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ हाई ग्रोथ मल्टीबैगर या स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, इन कंपनी अपना इन्वेस्टर को नियर अबाउट 100% रिटर्न बनाकर दिया एक साल के अंदर। और ये कोई ऐसे वैसे कंपनी नहीं है, हर कोई इस कंपनी के बारे में जानता है, बट रिटर्न उन्हीं को मिल रहा है जो इन कंपनी में इन्वेस्टेड है। दिस इज द बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक। अगर आप इनमें से कोई भी कंपनी में इन्वेस्टेड है तो होल्ड कीजिए, आने वाला टाइम में ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल है। पिछले 5 ईयर्स में देखिए, इन कंपनी नियर अबाउट 500% रिटर्न बनाकर दिया है शेयर होल्डर को। इट मींस दिस कंपनी बहुत ही अच्छा तरीके से ग्रो कर रहा है। और इन कंपनी के मार्केट कैप अभी देखिए, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जैसे है। अभी देखिए 5 to 10 ईयर्स के अंदर ये स्मॉल कैप से मिड कैप बन सकते हैं, मिड कैप से लार्ज कैप भी बन सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक आप जरूर देखिए। और जैसे जैसे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये लिस्ट का जो 5th स्टॉक है जिसका करंट प्राइस कितना 314 रुपीज, और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है जो एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, क्यूए, क्लाउड, इंफ्रा एंड सिक्योरिटी और भी काफी सारे सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखिए ये कंपनी रिटर्न कैसे दिया शेयर होल्डर को। देखिए लास्ट 1 मंथ में ये स्टॉक कितना 45% रिटर्न दिया, और लास्ट 6 मंथ कितना परसेंट रिटर्न दिया, 6 मंथ 156% रिटर्न दे चुके। मीन 6 महीने के अंदर आपका जो पैसा 2 गुना के आसपास कर दिया। और 1 ईयर में कितना रिटर्न देखिए, 1 ईयर में 300% रिटर्न दे चुका ये स्टॉक। ओके, और 5 ईयर में कितना देखिए, 5 ईयर में कितना 1307%। मीन्स सपोज ये स्टॉक में आप 5 ईयर्स बिफोर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी वो 1 लाख रुपये कितना हो जाता, 13 लाख हो जाता। देखिए कंपनी का जो नाम है क्या, सैक्स सब लिमिटेड है। ओके, इसका मार्केट कैप कैसे देखे, 3,326 करोड़ है। मीन्स देखिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है। और इसका पी रेशियो कितना 40.6, इंडस्ट्री पी कितना 36.2। मीन्स इंडस्ट्री पी और स्टॉक का पी रेशियो आप बराबर ही बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 28.4%, रिटर्न इक्विटी 22.7। मीन्स देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी दोनों 20% से ज्यादा है। मीन्स ये अच्छा है। ओके, और डेट टू इक्विटी कितना देखिए 0.03, मीन्स ना के बराबर डेट है कंपनी के पास। टोटल डेट कितना देखिए 13.5 करोड़ डेट है। और रिजर्व कितना कंपनी देखिए 394 करोड़ रिजर्व है। तो रिजर्व के हिसाब से डेट बहुत ही कम है। मीन्स एक डेट फ्री स्टॉक आप बोल सकता है। जिसका प्रोमोटर होल्डिंग कितना 66.9%, मीन्स प्रोमोटर का होल्डिंग भी डिसेंट है। और प्लस परसेंट 0.0, मीन्स ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल कैप स्टॉक होता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है। तो ऐसे स्टॉक में आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है 1% 2% नहीं देना है। ऐसे स्टॉक में आप मैक्सिमम 5,000 से 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऐसे स्टॉक आपको एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ये लिस्ट का जो 4th स्टॉक है, दिस कंपनी एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस FMCG प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेज एक्सेट्रा। ऑल्सो दिस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शू एंड एक्सेसरीज। ओके, तो फ्रेंड्स अभी देखिए कंपनी का जो करंट प्राइस है 545 रुपीज। और देखिए लास्ट 1 ईयर्स में कितना परसेंट रिटर्न दे, लास्ट 1 ईयर्स में कंपनी 64% रिटर्न दे चुका है। और देखिए 5 ईयर्स में कितना परसेंट रिटर्न, देखिए 5 ईयर्स में कंपनी कितना 590% रिटर्न दे चुका है। मीन्स देखिए 5 ईयर्स के अंदर आपका जो पैसा है वो 6 गुना के आसपास कर दिया। फ्रेंड्स, आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, क्या नाम है, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड है। ओके, इसका मार्केट कैप कितना 6,143 करोड़। इट मीन्स देखिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। और स्टॉक का पी रेशियो कितना 86.4, इंडस्ट्री पी कितना 44। मीन्स देखिए इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी रेशियो डबल है। इट मीन्स मार्केट ये स्टॉक को प्रीमियम वैल्यूएशन देकर रखा है। ओके, और इसका देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल 18.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 20.9%। ओके, और कंपनी का डेट टू इक्विटी 1.37। टोटल डेट कितना कंपनी के पास 513 करोड़। रिजर्व कितना है 352 करोड़। और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितना 64.8%, मीन्स ये भी बहुत अच्छा है। और प्लस परसेंट 0.0 है। इट मीन्स ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। लिस्ट का जो 3rd स्टॉक है, राज रतन ग्लोबल ऑयर लिमिटेड। देखिए ये कंपनी ऑयर मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। ये 2 टाइप्स ऑफ ऑयर बनाता है, टायर बीट ऑयर जिसको टायर मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया जाता है, और सेकंड जो है हाई कार्बन स्टील ऑयर भी बनाता है जिसको ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है। एक कंपनी का जो मेन फोकस है वो टायर बीट वायर के ऊपर ही है, क्योंकि इसका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें 87% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में टायर बीट वायर ही प्रोड्यूस करता है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 90% रेवेन्यू ये टायर बीट वायर से आता है। और प्रोडक्शन में एशिया का 1 ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और इंडिया में भी ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। यार ये अकेला 50% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। अभी देखिए इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में कैसे रिटर्न देगी, लास्ट 1 ईयर में कंपनी कितना 40% रिटर्न दे चुका है। और 5 ईयर्स में कितना रिटर्न देगी, देखिए 5 ईयर्स में
2126% रिटर्न दे चुका है। और ये कंपनी देखिए अपना हाई से अभी कितना परसेंट डिस्काउंट में अवेलेबल है, देखिए ये कंपनी अपना हाई से अभी 35%, देखिए 35% डिस्काउंट में ये स्टॉक अभी अवेलेबल भी है। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 4242 करोड़, इट मींस देखिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है जिसका पी रेशियो कितना 42.4, इंडस्ट्री पी का देखिए 16.7, मींस देखिए इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी रेशियो डबल से भी ज्यादा, इट मींस देखिए मार्केट ये स्टॉक को प्रीमियम वैल्यूएशन देकर रखा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 25.7%, इट मींस देखिए एक स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी होते हैं जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न इक्विटी दोनों 25% से ज्यादा, इट मींस बहुत ही अच्छा है। और इसका जो डेट टू इक्विटी कितना 0.39%, मींस ना के बराबर डेट है। टोटल डेट कितना 171 का टोटल डेट है, ओके। और रिजर्व कितना 429 करोड़, इट मींस देखिए रिजर्व के हिसाब से कंपनी का डेट बहुत ही कम है, इट मींस एक डेट फ्री स्टॉक है। और प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 65.1 मींस बहुत ही अच्छा है। और प्लस परसेंट 0.0 मींस ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, ओके। तो फ्रेंड्स ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी होता है ऐसे स्टॉक में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, और ऐसे स्टॉक में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही जल्दी 10 times 20 times हो सकता है, और ऐसे स्टॉक में लॉस होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे स्टॉक में आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है मैक्सिमम 1% से 2% तक आप चल सकता है, क्योंकि सपोज आप 1% भी देंगे तो वो जो 1% है एक लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, ओके। ऐसे कंपनी ऑलरेडी शेयर होल्डर को बना के दिया है और फ्यूचर में भी दे सकते, ओके। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी रिसर्च करें उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, ओके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए।